आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस उद्देश्य से किया, क्या कहना? मैंने इस उद्देश्य से किया है कि कल सुनवाई समाप्त हो गई है और इसलिए हम रघुवंश में पैदा होने वाले माननीय प्रदीप सिंह रघुवंशी का और श्री अटल प्रताप सिंह रघुवंशी का स्वागत किया है। कहाँ से आए ये लोग? ये लोग लखनऊ से आए हैं और इनका मैं स्वागत किया हूँ। और जो सुनवाई हुई है उसके संबंध में राजीव धर्मन ने जो कुकृत सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता था कि ऐसा निंदा वाला काम किया है, निंदनीय काम किया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सुनवाई चल रही है इसलिए इसमें FIR करना उचित नहीं समझा। जब हमारा मुकदमा समाप्त हो जाएगा, रामलला की विजय हो जाएगी, तब कैसे कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में मैं विचार करूँगा। मामला जो इतना लंबा है पटाक्षेप हो जाएगा, पंखा चला दो महाराज जी, बहुत जल्द फैसला आने वाला है। आप साधु संत मानतों का किस तरह के आप लोग खुशी है? ऐसा है कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका हम सम्मान करेंगे और हमको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, न्याय पर विश्वास है, न्यायाधीशों पर विश्वास है और विश्वास के तहत ही हम लोग ये मुकदमा लड़ रहे थे। विश्वास की विजय होगी। नरेंद्र मोदी की जो घोषणा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम विश्वास प्राप्त करके समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई आपस में मिलकर के अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें, सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ। इस देश का 80% मुसलमान भी इस देश में शांति चाहता है, सद्भावना चाहता है और आतंकवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन और समय दे दिया सभी पक्ष को? नहीं नहीं नहीं, समय नहीं। देखिए मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने कहा है कि जिनको भी अपनी बात कहना हो लिखित में 3 दिन के अंदर पेश कर दे, ये बात है। और वो 3 दिन के अंदर में लिखित अपना बयान जो लोग नहीं दे पाए हैं अथवा देना चाहते हैं अपना लिखित में बयान प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने कहा। सबको पिलाओ पानी भाई। हाँ मैं बैठ जाता हूँ।